स्टूडेंट्स इन अ न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एरर सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक अपना चला हुआ था, तो आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन प्रोपगेशन स्टडी किए थे, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन क्वेश्चन, एरर इन डिफरेंस, एरर इन एडिशन, और अपने डिफरेंट मेथड्स ऑफ एरर फाइंडिंग कैलकुलेट किए थे, एरर को कैलकुलेट करने के डिफरेंट टाइप्स के मेथड देखे थे, जैसे रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये सारे से कुछ आपने स्टडी कर रखे हैं। तो आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो एक केस लिया हमने, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, तो उसका टाइम पीरियड आपको पता ही है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ये होता है टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालने का तरीका। अब आपको क्या पता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये एल पे जी पे इन पे डिपेंड करता है। इसमें अब आपको कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर, क्या कैलकुलेट करना है आपको, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है किस चीज के अंदर, जी के अंदर, जी के अंदर आपको कैलकुलेट करके दिखाना है रिलेटिव एरर, क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर इन जी। और आपको दे दिया इसने डाटा क्या दिया है, इसने आपको सपोज करो लेंथ के अंदर जो चेंज दिया है, मीन्स लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस माइनस डेल्टा एल सपोज करो आपको दे दिया है इसने, कितना मान लेते हैं 30 प्लस माइनस 3, ये मान लिया भाई हमने, ठीक है। और जो आपके पास टाइम है t प्लस माइनस डेल्टा t, हमने मान लिया दे दिया इसने कितना, ये मान लिया, चलो सपोज कर लिया 60 प्लस माइनस 1 दे दिया, ठीक है, कि टाइम के अंदर वेरिएशन इतना है, लेंथ के अंदर वेरिएशन अप एंड डाउन जो एरर है वो इतना हो सकता है। इतना सब कुछ देने के बाद इसने आपसे पूछ लिया है रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो, किसके अंदर, जी के अंदर कैलकुलेट करना। ओके, तो हमें हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में टी है जबकि हमें चाहिए कौन, जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू आ है आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, तो दोनों तरफ हमने अगर स्क्वायर कर दिए बेटे तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जी चाहिए तो जी को हम इधर ले जाते हैं 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी, और ये टी क्या आ जाएगा नीचे, और टी के ऊपर साइन किसका है, स्क्वायर का है, उसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, आपने एरर इन पावर ये स्टडी किया था ना, एरर इन पावर, तो एरर इन पावर को आपने कैसे कैलकुलेट किया था, वो फॉर्मूला आप माइंड के अंदर रखेंगे, और वो फॉर्मूला माइंड में रखते हुए आप इसको सिंपलीफाई करके दिखाएंगे। 4 पाई स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट, या आपको फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है एरर किसके अंदर है, लेंथ और टाइम के अंदर, जो कि डिपेंडेंट है किसके, जी के लिए। तो अब आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना था किसके अंदर, जी के अंदर, तो वो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी बाय जी, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल, प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल। अब टी की पावर कितनी है, टी की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर आप यहां पर नहीं भूलेंगे इसका इन्वॉल्व करने के लिए, और ये आपके पास आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी, क्या आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस इसका हमने इकट्ठा ही वाले ले था, तो 2 पावर डेल्टा टी बाय टी। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने इसको थ्योरी में स्टडी किया था तभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं, ये बाय में पावर है तो इसको ऊपर लेके गए तो जी माइनस का हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 2 लिख दिया। आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि आप काउंट कर रहे हो एरर को, और अगर आपने यहाँ पे एरर को माइनस कर दिया है मीन्स यू आर इग्नोरिंग यूर एरर, आप जो आपका एरर है उसको इग्नोर करके चल रहे हो कुछ, क्योंकि उसने आपने आपने उसकी कुछ क्वांटिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, तो आप भूल कर भी यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो रिलेटिव एरर है दैट इज डेल्टा जी बाय जी, उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, डेल्टा एल, डेल्टा एल आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है 30, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी, 2 इंटू 1 डेल्टा टी था बाय में 60, दैट विल गिव्स यू प्लस माइनस दिस विल इक्वल टू 1/10, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा 1/30 प्लस
माइनस एलसीएम आ गया अपने पास 30, ये 3 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू, कैलकुलेशन देख लेना, ये 4 बाय 30 मींस 4 बाय 30 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाय 15, 2 बाय 15 किसके इक्वल आ जाएगा 2 बाय 15, चलो इतना भी छोड़ देते हैं हम इसको, चाहे कैलकुलेट आगे तो आप कर लेंगे, इसका पॉइंट में निकालना है जो। अब देखो यहाँ तक का क्वेश्चन आपने सोल्व किया बेटे, ये आपने क्या निकाला, इसका एरर निकाला है जे के अंदर, कौन सा एरर निकाला आपने, रिलेटिव एरर निकाला है। अगर इसी क्वेश्चन में ये एक स्टेप और मांग ले आपसे क्या कि इसके अंदर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, तो आपको अच्छे से याद है क्योंकि आपने थ्योरी में स्टडी कर रखा है क्या कि जो परसेंटेज एरर है वो हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। तो इसी का अगर परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहते तो आप क्या कर दोगे, इसको 100% से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, ठीक है। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आपका आ जाता है तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे एल की मैंने ये डाटा लिया है बुक में या कहीं और एग्जाम में क्वेश्चन में, आपके पास इस डाटा को रिप्लेस करके 30, 20, 10, 15 कुछ भी आ जाएगा, बट पैटर्न आप इसका यही रखेंगे जी, ठीक है। ओके तो एक टाइप ये थी, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा केस लेके चलते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो भाई दूसरा कोई क्वेश्चन जैसे आपको ये दे दिया, इसमें तो हमें एरर दे रखा था किस तरह से, एक्चुअल लेंथ अलग से और उसके अंदर एरर कितना है प्लस माइनस एरर ये अलग से दे रखा था। अब कई बार क्या होता है आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे एक आपके पास क्यूब है, क्या है क्यूब है, उस क्यूब का आपको मास बता दिया भाई, उसके मास में जो एरर है वो मान लेते हैं 5% एरर है मास में, अगर एक क्यूब की डेंसिटी के ऊपर मान लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी के अंदर रिलेटिव एरर आपको फाइंड आउट करना है किसी क्यूब की डेंसिटी के की रिलेटिव एरर, किसी क्यूब की डेंसिटी का रिलेटिव एरर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है डेंसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ठीक है भाई। अब इसने आपको क्या सिचुएशन दी, इसने के दे क्यूब है उसका मास अगर हम मेजर कर रहे हैं तो एरर कितना है 5% है, उसका जो रिलेटिव एरर आ रहा है वो कितना 5% आ रहा है, और अगर आप उसकी एक साइड को मेजर कर रहे हो, अगर आप उसकी एक साइड को अगर मेजर कर रहे हो तो वो कितना आ जाएगा, वो कितना एरर आ जाएगा इसके अंदर 6% है मान लेते हैं, कितना दे दिया जैसे 6% दे दिया भाई, ठीक है। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखोगे एल क्यूब, वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे हम एल क्यूब से। अब इस डेंसिटी के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना था, रिलेटिव एरर, क्या फाइंड आउट करना था, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना था भाई आपको, तो डेंसिटी का रिलेटिव एरर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा रो बाय रो मींस आपको ये वाली क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, तो इस क्वांटिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लस माइनस एम, एम क्या आ जाएगा डेल्टा एम बाय एम, याद करो जब हमने थ्योरी पोर्शन कहा था तो स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था बेटा ये फाइनल रिजल्ट आप लोग याद रखोगे, जब मल्टीप्लाई में आता है तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, डिवाइड का आपने ये रिजल्ट याद रखना है, पावर का आपने ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो अब हम उनका पूरा डेरिवेशन ना करके सिर्फ उनके रिजल्ट यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते जाएंगे, ठीक है भाई। तो अब ये क्या आ गया एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल की पावर 3, अब पावर में जब हम इसको सोल्व करते थे तो पावर क्या आ जाएगी इसकी आगे, और ये क्या बन जाएगा 3 डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो प्लस माइनस एम, एम के अंदर कितना परसेंटेज दिया था 5%, प्लस इसके अंदर कितना दिया है 6%, तो 3 × 6 दैट इज इक्वल टू 21, इसके अंदर कितना आ जाएगा जो रिलेटिव एरर है डेंसिटी में वो कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मास और साइड को इतना लिया है, आप इसकी 2% ले लें, 1% ले लें, कुछ भी आ सकता है, मीन्स आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करूं मैं, तो आपको क्या दिया था, एक क्यूब दिया था, क्यूब की डेंसिटी का रिलेटिव एरर आपको फाइंड आउट करना है, उस क्यूब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, उसका मास दे दिया, मास को मेजरमेंट जब हम करें तो 5% एरर आ रहा है, साइड को जब आप देख रहे हो तो उसका कितना है 6% है। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम मींस एम बाय एल क्यूब, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो इसको रिलेटिव एरर की फॉर्म आपकी ये वाली आ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू थी वो पुट की और क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है जी। अगला लेके चलते हैं,
ले दिया आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया है और उसकी जो लेंथ दी है ना वो कितनी दी है 3.11 दे दी मान ले, ठीक है, और जो ब्रेड्थ दी है वो मान लेते हैं कितनी दी है 2.01 दे दी, ठीक, और जो हाइट दी है वो मान लेते हैं कितनी दे दी 5.32 दे दी, राइट। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के पैरामीटर्स आपको दिए हैं, क्या क्या बताया है, उसकी लेंथ तो ये है, ब्रेड्थ ये है और हाइट ये है। अब आपको कहा है कि उसका रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वॉल्यूम है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वॉल्यूम है उसका आप रिलेटिव एरर फाइंड आउट करके दिखाइए। क्या पूछा आपसे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है, अब उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, रिलेटिव एरर उसके वॉल्यूम का, उसके वॉल्यूम का रिलेटिव एरर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप जानते हैं क्या हो जाएगा, एल बी एच। अब रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा, रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी। तो उसको आप लिखोगे कैसे, लिखेंगे हम कैसे, एल को जो मल्टीप्लाई में है तो जो रिलेटिव एरर उसका निकालते थे तो कैसे निकालते थे, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा एच बाय एच। ये आपने जब थ्योरी पोर्शन किया था तो उसमें सीखा था कि जब दो क्वांटिटीज को आप प्रोडक्ट में कर रहे हो तो उसका जो रिलेटिव एरर का रिजल्ट आता है वो इस तरह से आता है। ये हमने स्टडी कर रखा है तो उसकी हेल्प से हमने इस रिजल्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि इसने डायरेक्ट आपको जो एरर है मींस जो चेंज आ सकता है लेंथ के अंदर या जो अपने ब्रेथ में जो एरर की लिमिट लेके चलनी है या जो आप हाइट में डेल्टा एच की जो वैल्यू लेके चलोगे वो डायरेक्ट इसने साफ साफ नहीं बताई आपको, बट आपने इसी में से इसको ढूंढना है। क्या इसने कहा कि जो लेंथ है वो कितनी है 3.11 है, मींस जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको मेजर किया है वो कितनी कैलकुलेशन आपको कहां तक की एक्यूरेसी दे सकता है, उसका लीस्ट काउंट एरर कितना आ सकता है 0.01 आ सकता है, कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा और इसका भी कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद दो प्लेसेस तक उसको एरर आपका सोल्व करके दिखा सकता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल को आप क्या लिखोगे 0.01 डिवाइडेड बाय 3.11 प्लस इसको कैसे लिखोगे 0.01, इसके अंदर भी पॉइंट के बाद दो डेसिमल तक आपको डाटा दिया गया है, मींस उस लिस्ट उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे आपने इसकी मेजरमेंट की है तो उसका लिस्ट काउंट एरर कितना है, वो कहां तक की एक्यूरेसी आपको दे सकता है, उसकी एरर लिमिट क्या है, तो उसकी वो 0.01 तक की एक्यूरेसी आपको दे सकता है, तो एरर लिमिट उसकी क्या हो जाएगी 0.01 हो जाएगी, ठीक है। 0.01 डिवाइडेड बाय 2.01 प्लस अभी इसकी लिमिट कितनी है, इसकी भी 0.01 डिवाइडेड बाय एच कितना दिया आपको 5.32 दिया है। बस अब इस डाटा को आपने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मैं अगर यहीं पे डिवाइड करने बैठूंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जस्ट आपको कैलकुलेट करना, अब इसी में अगर ये परसेंटेज एरर कर देता अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कर दोगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये तो था जैसे एल बी एच सिर्फ इतना ही दिया है, अगर आपके पास कोई और क्वांटिटी होती जैसे डेंसिटी का ही केस ली तो डेंसिटी में इसने क्या कह दिया, मास और वॉल्यूम दे दिया भाई। तो इसी क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, अगर इसी क्वेश्चन में ये वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम के लिए साइड दे दी, अब मास के लिए दे दिया, मास हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, तो इसने कितना दे दिया, वो मान लेते हैं वो जो एक्यूरेसी है उसकी 2.032 दे दिया। तो उस केस में मास की वैल्यू ये दे दी है, साइड अगर मान लेते हैं उसने कितनी दे दी 2.89 दे दी, तो इसका तो जो एरर है जो डेल्टा एल लेके चलोगे वो 0.01 लेके चलेंगे, लेकिन इसके केस में जो डेल्टा एम लेके चलेंगे आप वो कितना हो जाएगा 0.001 तक लेके चलोगे, ठीक है। तो डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो डेंसिटी वाला केस इसका क्या आ जाएगा, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 × डेल्टा एल बाय एल, ये लिखते हैं आप प्लस माइनस, ये इसका कितना लेके चलेंगे 0.001 डिवाइडेड बाय 2.032 प्लस
लेंगे 0.03 इनटू में 0.01 डिवाइडेड बाय 2.89, और यहां से हम इसका अगर परसेंटेज एरर कहा तो 100% से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी के अंदर जो रिलेटिव एरर कहो या फिर परसेंटेज एरर कहें तो हम इस तरह से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो नई बात सीखी है वो ये सीखी है कि अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्ट इसने ये नहीं दिया है और ये कहते हैं कि मेजरमेंट की वजह से उसकी रीडिंग ये आई है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर है वो कितना है, तो वो आप इसके डेसिमल पॉइंट से फाइंड आउट करके लिख देंगे बेटे, ठीक है। ओके, एक और अगर अलग सा केस लेके चलते हैं, इस पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक्स में काफी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उनके देख लेना एक बार यहां से हेल्प लेके। तो एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है x, मान लेते हैं कि आपको फिजिकल क्वांटिटी x गिवन है और उसकी वो जो फिजिकल क्वांटिटी x है वो मान लेते हैं इन तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, किस-किस पर, a b और c पर डिपेंड करती है भाई। वो तो ए बी और सी पर वो डिपेंड किस तरह से करती है ये तो आपको बता दिया, ए बी स्क्वायर रूट सी इस तरह से डिपेंड कर रही है। अब इसका पूछ लिया इसने, साथ में बता दिया कि ए को मेजरमेंट करने में जो एरर है वो 4% है, बी को बोल दिया जैसे 2% है, सी को बोल दिया जैसे 3% है, कुछ भी वैल्यू लेके चल सकते हैं इसकी। अब इसने आपसे पूछ लिया कि इसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो, क्या पूछ लिया इसने, इसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो या परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। और एक बात और बोल दे साथ में, ये एक बात और क्या बोल दे कि कौन सी क्वांटिटी, विच क्वांटिटी विल अफेक्ट मोर, इनमें से सभी में से सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी कौन सी अफेक्टेड करेगी इसके एरर को, सबसे ज्यादा कौन सी क्वांटिटी अफेक्ट करेगी, ये भी बात पूछ ली भाई आपसे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपके पास क्या दिया है, x is equal to a b square by root c, ये गिवन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको आप कैसे लिख दोगे, एरर निकालना है रिलेटिव एरर, तो डेल्टा x by x रिलेटिव एरर की फॉर्म आ गई, प्लस माइनस इसको क्या लिखोगे, डेल्टा a by a, b square है तो इसका जो एरर की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा b by b। अब रूट सी है, रूट सी का फिर से रिपीट कर रही हूँ, रूट सी बाय में है तो आप -1/2 पावर मत करना है इसके आगे जाके, इसको रूट सी है तो सीधा ही ऊपर पावर, इसका बायनोमियल थ्योरम करेंगे तो ये 1/2 पावर जो है वो आगे ले आएंगे इसका, और क्या आ जाएगा, रूट डेल्टा सी बाय सी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए जो था आपके पास वो कितना अफेक्ट कर रहा है, 4% प्लस ये 2 डेल्टा बी बाय जो बी है इसका क्या कर लोगे आप, डबल कर दोगे 2 into 2 प्लस, अब सी के लिए कितना किया आपने, इसका हाफ करना पड़ेगा, सी का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी सी की वैल्यू कितनी है, 3, और इसके आगे क्या लगा हुआ है हाफ, तो आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहो तो इस तरह से लिख दो चाहे, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4, 8 और 9.5% रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा इसका, 9.5% आ जाएगा, ठीक है बेटे, 9.5%। ओके, तो ये था जब अलग अलग क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक और अलग क्वेश्चन अगर हम लेके चले तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, बेटे क्या कि एक जो रेजिस्टिविटी होती है, सुन रखा है ना, आपने पढ़ा था V is equal to I R और उसमें जो R है उसका फॉर्मूला क्या होता था, rho into L by A दे रखा है, और अगर हम यहाँ से इस rho की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगी, R into A by L आ जाएगी, क्या आ जाएगी, R into A by L आ जाएगी। अब मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसका एक वायर का एरिया दे दिया,
एक वायर का एरिया दे दिया है और वो मान लेते हैं हम किस तरह से दिया इसने, उस वायर की जो रेडियस है वो कितनी है स्मॉल आर है, और ये जो कैपिटल आर है वो उसका रेजिस्टेंस है, और एल उसकी क्या है लेंथ है। तो इसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, दे रखा है ये आपको। अब ये क्या पूछ लिया इसने आपसे, ये पूछ लिया कि इसके जो रेजिस्टिविटी है उसकी रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो, उसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज एरर इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, पहले इसका मान लेते हैं आपको डाटा दे दिया, क्या मान लेते हैं ये जो आर है वो आर प्लस माइनस डेल्टा आर की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे दी, मान लेते हैं 20 प्लस माइनस 0.2 दे दी जैसे, और कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर की मेजरमेंट विद मेजरमेंट रीडिंग विद एरर कितनी रीडिंग दे दी है 0.3, और जो एल बच गया वो मान लेते हैं 40 प्लस माइनस क्या है 0.4 है विद एरर दे दिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करना आपने कैसे करेंगे, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू पाई को तो आप इग्नोर करके चल दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इनटू डेल्टा आर बाय आर, 2 इनटू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। अब देखो इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना दिया है 0.2, ये इसके अंदर है 2 क्रॉस 0.2 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 20 प्लस ये 0.3 बाय 30 प्लस ये कितना है 0.4 बाय 40, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई तो आप कर ही सकते हो, क्या आ जाएगी ये 2 10 कितना गया 0.2 बाय 10 प्लस 0.1 बाय 10 प्लस 0.1 बाय 40 आ गया। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 10, और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछा गया है तो वो कैसे करेंगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 100%। जब इसको आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 10 से 10 कैंसिल तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4%, ठीक है। तो इस तरह से आप कई कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं, और उसका भी ये मान लो कि इसका एरर, इसका जो एरर है विद लिमिट कितना कितना दे रखा है ये दे रखा है। तो बस आपको मेन जो इस इन सभी में यूज करना है वो ये है बेटा कि अगर आपने इसका एरर इन प्रोपगेशन की जो थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ी है तो किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आ सकती है, ठीक है। और हाँ, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें ये था फिजिकल क्वांटिटी वाला जो क्वेश्चन था, x इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय रूट सी, तो इसमें आपसे पूछा गया था शायद कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा अफेक्टेड करेगी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसमें आप देखोगे तो जो डेल्टा एक्स बाय एक्स अपने पास रिजल्ट आया था वो क्या आया था, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 1 बाय 2 इंटू डेल्टा सी बाय सी। तो अब आप यहां से देख सकते हैं इजीली सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रही है वो कौन सी क्वांटिटी करेगी इसको, बी क्वांटिटी करेगी, और सबसे कम कौन सी इफेक्ट करेगी इसके एरर को, सी क्वांटिटी इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब इसको पूरा क्वेश्चन देने के बाद कोई इस तरह का क्वेश्चन भी वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है कि विच क्वांटिटी विल लीस्ट इफेक्ट ऑन द एरर, विच क्वांटिटी विल गिव द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द एरर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।